आपके पिताजी लोक देवता बाबू महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं हाँ और आप उनके चार संतान हैं, हाँ तो ऐसा कैसे हुआ कि पिताजी इतने बड़े भक्त और आपको चारों के भाई, चारों भाई डकैत बन गए, अपराधी मेरे बन गए? तीन भाई ने तो आज तक कुछ नहीं किया, सब झूठ लगाए। अच्छा, मैंने तो आपको बदला लिया, ये मेरे तीन भाई तो कुछ नहीं किया आज तक। मतलब बदले की भावना से आप डकैत उसमें गए। हाँ, अब आगे आप क्या करना चाह रहे हो? किसान बनना चाहता, परिवार के साथ चैन से रहना चाहते हाँ। हो? आपकी कितनी शादियां हुई हैं? तीन। तीनों पत्नी हैं? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे हैं, दो नगर एक नहीं। अच्छा, आप थोड़ा सा ये बताओ, आप लंबे समय तक जेल में रहे, एक डाकुओं में आपका बड़ा नाम है, आपके खौफ है, अब आप जो युवा हैं जो डकैत बन जाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? डकैती का जीवन कितना अच्छा है? तो आपस से कोई नहीं होता, मजबूरी करा देती है कि जब दो दो बस लड़ जाते हैं गांव में, तो थाने में पहुंचे एक की तरफ से पुलिस हो जाती है, फिर एक के पैर टूट जाते हैं, कुछ नहीं दिखता है, जब वो फिर बदमाश बनना पड़ता है। अच्छा अच्छा नहीं, उन लड़कों के लिए, अब जो नए लड़के हैं उनके लिए क्या संदेश देना था? वो डकैत बने, डकैती का जीवन अच्छा है? भाई मैं जानता हूँ इस बात को, डकैत अब से कोई नहीं बनता है जी, पेट खातर कोई नहीं बनता, क्यों पेट खातर क्यों बनेगा? 200 रुपये 500 तो कमा सकता है, तो क्यों बनेगा? मजबूरी कराती सबके लिए, ऐसा कोई बदमाश नहीं जो बड़ी मर्जी से बदमाश बने।